झुंझुना दिखा दिया, बदले में ईडी सीबीआई भेज दिया ताकि भूख बंद हो जाए, भागते फिरो। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारे पास आता तो जो वृद्धा पेंशन हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो वृद्धा पेंशन 2,500 टका देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो 10,00,000 एकड़ जमीन पर नहर से पानी पहुंचाते, पाइपलाइन से पानी पहुंचाते खेतों में, और हरियाली हमारी खेतों 12 महीना रहती। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपए मिलता तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको देता तो हमारा इस राज्य की 7 पीढ़ी घर में बैठ के हम उसको खिलाते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। व्यापारियों की जमात है, व्यापारी कभी देता है वो लेता है पहले। और आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो इन लोगों ने जो 1,200 रुपए का सिलेंडर आज हमें उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देशवासियों को, अपने राज्यों के लोगों को 500 रुपया सिलेंडर अगर हम देते, अगर वो पैसा हमें मिलता तो। ये पैसा गोलमोल चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, आज हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवाजाही की व्यवस्था आपने देखा, मंत्री जी ने बताया कि आज कई ऐसा हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोग अभी भी शहर नहीं देखा है। आज उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और तो और उस ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से हमारा इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य की महिला, इस राज्य के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। अभी कई जगह शिकायत आता है कि कॉलेज बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, और सही में साइकिल से इतना दूर कैसे जाएगा। हम लोगों ने अभी ये शुरुआत किया है, अगर ये चीजें सफल हो गई तो वहां आवागमन की जो स्थिति है उन सबको ध्यान में रखकर, जहां एक बस चल रहा है आने वाला समय में वहां पर बसों की संख्या को भी बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि लोग दिन भर कोई सब्जी बेचने के लिए जा सकता है, कोई पढ़ाई करने जा सकता है, कोई बैंक जा सकता है, नौकरी करने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कई लोग अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शहर में व्यवस्था को लेकर आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आता है। लेकिन शहर बहुत अच्छा नहीं है, आज के दिन में भी शहर की स्थिति इतनी खराब है। अभी दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली इस देश का नहीं पूरा दुनिया का सबसे गंदा शहर हो गया। वहां लगभग सभी लोग अनेकों तरह की बीमारियों से ग्रसित है। हम लोग कभी कभी गलती से एक आध दिन जाते हैं तो दिन भर रोते रहते हैं, आंख जलता है, गला दर्द करता है, छाती फूलने लगता है, ये हालत हो गया है। और यहां पर भी वही स्थिति शहरों की है। आज शहर में कचरा कितना इकट्ठा होता है आप देखते हैं, और शहर का कचरा फेंकने के लिए गांव में जमीन खोजी जाती है, और गांव में लोग दूसरा का कचरा हम अपना गांव में क्यों डालें। और वाकई बात सही है, ये शहरीकरण अपने आप में एक अलग समस्या खड़ा करने जा रहा है। अभी रांची जैसा शहर, रांची का शहर का कचरा इतना जमा हो गया कि उस कचरा को फेंकने के लिए कोई दूसरा जगह मिल देने को तैयार नहीं, अब उसको जलाना भी दुश्वार, पूरा शहर काला बादल से ढक जाएगा और लोगों को बीमारी के चपेट में ले लेगा। तो ये
शहर का नतीजा है। तो जो शहर का जो व्यवस्था है, जो शहर में बिजली पानी सड़क है, इनको हम आपके गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। आज जहां यहां शिविर लग रहा है, आने जाने का भी जगह नहीं है, लोग ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बैलगाड़ी से वहां जाके शिविर लगा रहे हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, हमने ग्रामीण सड़क जो हमेशा से पेंडिंग रहता था इस राज्य में, आज इस बार सभी पेंडिंग ग्रामीण सड़कों को लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब कोई सड़क और गांव हमारा बिना सड़क का नहीं रहेगा। तो कई चीजें हैं, कुछ कुछ याद आती है तो हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोगों को बिजली भी 100 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं, और आज इस योजना से लगभग 66,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और 100 से 400 यूनिट तक वाले लोगों लगभग 31,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज लगभग आपकी जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, समस्याएं आती जाएंगी, उसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम हम लोग योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, जेएसएलपीएस के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना लाने के पीछे का मंशा ये है कि आज जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अभी भी देखो यहां पर हम लोग दिसंबर के महीने में बैठे हैं, लेकिन बहुत अभी आधा से अधिक लोग बिना स्वेटर का बैठा है। नहीं तो ये भी दिन था कि नवंबर के बाद से ही हम मोटा होने लगते थे, ढेर सारा कपड़ा पहनने लगते। ये पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब बारिश होगा उस समय सुखाड़, जब सुखाड़ होगा उसमें बारिश, जब ठंडा होगा उसमें गर्म, गर्म के समय ठंडा। अब पूरा दुनिया का आबो हवा बदल रहा है, और इसका नतीजा है जल जंगल जमीन पर अत्याचार, और इसी का लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने लड़ा। जल जंगल जमीन को लेकर शहर में धीरे धीरे सभी जंगले काट काट करके लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, इसीलिए शहरवासियों के लिए भी हमने योजना लाया है। शहरी इलाकों में जो एक पेड़ लगाएगा वो गेंदा का नहीं, जामुन का, इमली का, नीम का जो पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा तो हम लोग 1 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, एक पेड़ लगाएगा 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 पेड़ लगाएगा तो 25 यूनिट ज्यादा ही 50 यूनिट हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा, तो फ्री में बिजली मिल गया, तो शहर का भी पेड़ ना कटे। लेकिन मनुष्य बहुत दुष्ट किस्म का आदमी हो जाता है, जब शहर की ओर आगे बढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपने पैर से पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है, और नतीजा ये होता है घर का बाड़ी का पेड़ काट करके मजबूत अगल बगल देख करके अपना भी 2 मंजिला घर ठोक देता है। आज हमें अपना गांव मजबूत करना होगा। ये राज गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस राज का सबसे अधिक आबादी हमारे गांव में रहते हैं। तो हमें गांव को मजबूत करना है, झारखंड के इस आने वाले युवा झारखंड को मजबूत करना है, ताकि ये पिछड़ापन का जो कलंक इस राज पे लिखा रहता है, ये कलंक आने वाला ये युवा राज मिटा सके। आज इसीलिए किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, गाय बकरी मुर्गी बतख सब कुछ आपको मिल रहा है। इस बार गाय बकरी के साथ साथ भैंस भी आपको अनुदानित दर पे मिलेगा, अब आप भैंस भी पाल सकते हैं। और पहले ये बेमान पूर्ववर्ती सरकार लोग हमारे किसानों को बीमार जानवर दे देता था,
जानवर बांटने के बाद 6 महीना 2 महीना में मर जाता था, और किसान बेचारा उस पर इतना मेहनत करने के बाद कोई मर जाए दोबारा फिर हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जो जानवर हमारे किसानों को मिलेगा वो किसान बीमा कृत जानवर मिलेगा, इंश्योरेंस किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर वो मर गया तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे। हमने जब इसका जांच पड़ताल किया, भाई चक्कर क्या है, लोग जानवर क्यों नहीं पालते? यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो सदियों से जानवर पलता आया है, हमने भी देखा है। और जानवर के खत्म होने से हमारे राज्य में कुपोषण का शिकार हमारे राज्य की महिलाएं होने लगी, और नतीजा हमारे बच्चे कुपोषित जन्म लेने लगे। जिस घर में दूध मांस मछली अंडा खाने की व्यवस्था हो वो घर कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पूर्वज आज भी यदा कदा आपको दिखेगा जो 100 साल पर पार कर रहा है लेकिन अभी भी लाठी पकड़ के घूम रहा है। लेकिन अभी का नौजवान 50 साल नहीं बीतता, 60 साल नहीं बीतता, कोई बीमारी से मर गया या कोई उसको शारीरिक समस्या विकलांग पैदा हो गया, वो इसलिए कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की परंपरा को खत्म किया, उसको सहज के नहीं रखा, उसको खा खा करके उसको हमने अपना पूंजी खत्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फिर से ये पशुधन लाया है ताकि आप जानवरों के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सके। इन्हीं जानवरों को बेच बेच कर घर द्वार चलाया जा सके। खेती बाड़ी जो आप धान की खेती पर निर्भर रहते थे, अब आम का बागवानी कीजिए, अब लीची का बागवानी कीजिए, अब केला का बागवानी कीजिए, अमरूद का बागवानी कीजिए, कई सारे कीजिए। और अभी हम लोग किसानों के लिए एक फेडरेशन लेके आ रहे हैं। फेडरेशन का नाम क्या है? सिद्धू कानू कृषि और वन उपज फेडरेशन है। इसके माध्यम से आने वाला समय में जिस तरीके से धान क्रय में हम लोग MSP देते हैं, तो आने वाला समय जो हम लोग का जंगलों में वन उपज होता है, इमली होता है, चिरौंदी होता है, बस्करेल होता है, रुगड़ा होता है, इस पर भी सरकार MSP फिक्स करेगी। आपको बाजार में ठगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और सरकार ही उन चीजों को खरीदेगी और आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और बाजार से अच्छा दाम मिलेगा। गलती से आप बाजार में जाते हैं, अगर नहीं बिकता, दलालों बड़ा होशियारी करता है, आपका साग सब्जी जब आप बाजार में जाते हैं माथा पे ढो करके 50 केजी, और वहां दलाल लोग बड़ा होशियारी से बैठा रहता है, दिन भर नहीं खरीदेगा, जब सूर्य ढलने लगेगा उस समय आपसे मोल मुलैया करता है। सुबह जब जाते हैं तो आपका सामान 100 रुपया का हो जाता है और शाम आम होते हुए वो आपको 10 रुपया में बेच कर जाना पड़ता है। क्यों? 50 कोस दूर से आप माथा से उठा के लाए, फिर बेचारा माथा से उठा के कौन ले जाएगा और सड़ाएगा, फेंक दो। लेकिन अब वो दिन खत्म, वो सारी चीजें खत्म करेंगे और आपको उन दलालों के चंगुल से भी बाहर निकालेंगे। इसीलिए हमने ये फेडरेशन बनाया कि आपके साथ सब्जी को भी इसी तरीके से दलालों और बिचौलियों के बीच में ना जाना पड़े और सरकार के माध्यम से आपको उसका वाजिब मूल्य मिले, और ताकि आप के जो मेहनत है वो मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए साथी कई चीजें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोगों ने कई योजना, कई वैकेंसी के माध्यम से, JPSC के माध्यम से 200-250 लोगों की, एक शिक्षक, कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, कई संवर्ग में नियुक्तियां की, अभी 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही है। वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना
किस्मत आजमाएंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री से रोजगार सृजन योजना लेके हम आए हैं। उसके माध्यम से महिला हो पुरुष हो, आपको कोई स्वरोजगार करना है, कोई काम करना है, खेती बाड़ी से लेकर के आप कोई राशन का दुकान, चाय का दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, चप्पल का दुकान, लोहा बढ़ई का दुकान, कोई भी चीज तरीके का व्यापार करना चाहते हैं, उसमें जो आपके पास पूंजी की आवश्यकता है, आपके पास अगर पूंजी नहीं है, आप सरकार के पास आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। अभी शुरू शुरू में जब हम लोगों ने इसको चालू किया, बहुत सारे आवेदन आए, पहले तो पता चल लगा कि लोग शायद इसका इस योजना को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना आवेदन पड़ा कि हम लोग का पैसा ही गट गया। लेकिन इस बार आप लोगों की इस रुझान को देखकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में हम लोगों ने अतिरिक्त पैसा डाल दिया है, इसलिए आप लोग इस बार आवेदन दे, गाड़ी खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, और भी किसी भी तरीके का, बैंक के पास जाइएगा, आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आप उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बंधक देना पड़ेगा, लेकिन बंधक वो आपका जमीन नहीं ले सकता, तो आप बंधक दीजिएगा क्या? तो इन योजनाओं में आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं, इसलिए आप आइए, आप स्वरोजगार पैदा कीजिए, खुद भी रोजगार पाइए, औरों को भी रोजगार दीजिए, नौकरी वाले नौकरी की तरफ जाएंगे, काम करने वाले काम की तरफ जाएंगे, हर कोई काम नहीं करेगा, हर आदमी का एक अपना रास्ता बना हुआ है, ये अन्नदाता जिसको हम किसान कहते हैं, जिसको लोग कभी भारत किसानों का देश है, आज इन किसानों को खत्म करने की एक बड़ी योजना चल रही थी, अभी भी चल रही है, अगर वो किसान मर गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए किसान को भी मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि हम लोग भूखा ना मरे। हम लोगों के यहाँ धान क्रय होता है, लेकिन धान का मिलिंग नहीं होता था, इस बार हम लोगों ने बड़ी संख्या में राइस मिल लगाने का स्वीकृति प्रदान किया है, ताकि हम लोग धान क्रय अधिक से अधिक कर पाए और उन मिलों के माध्यम से अनाज निकाल करके गरीबों के बीच में बांट सके। तो आप सब लोग इसमें भी जा सकते हैं, जो थोड़ा संभ्रांत है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, राइस मिल चला सकता है, आप लोग राइस मिल का भी आवेदन सरकार को दीजिए। राइस मिल सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि राइस मिल लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का काम करे। तो इसलिए शादी बहुत सारा बात है, मौसम भी आज खराब है, पहले तो हम सोचे आप आएंगे कि नहीं पाएंगे, बहुत बादल चारों तरफ घिरा हुआ है, अभी हम लोग एक और दो कार्यक्रम में जाएंगे, इसीलिए हम और नहीं बात करते हुए इन्हीं बातों के साथ सब अपनी बातों को समाप्त करेंगे। लेकिन मैं इस सभा से जानना चाहूंगा, आप लोग आवाज दीजिए कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, आवाज कम है, पेंशन मिलता है, हमारे महिलाओं को पेंशन मिलता है, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फूले का योजना मिलता है, वह बच्चियों का आवाज बहुत, और हमारे विपक्ष लोग बोलता है कि ये सब काम बेकार है, कोई काम नहीं होता है, खैर देखने का अपना अपना नजरिया है, हम जिस चश्मा से देख रहे हैं, यहां पर इस मैदान में खचाखच लोग भरे पड़े हैं, हट नहीं रहे,
लेकिन लगता है वो लोग शीशा का चश्मा नहीं टीन का चश्मा पहनता है, इसीलिए उन लोगों को नहीं दिखता है। खैर, जिसको कोई देखना है देखे, थोड़ा सा इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा। बहुत जल्द आप चुनावी समर की तैयारी होगी और बड़े लोग हम लोग के गांव और आसपास के इलाकों में आएंगे। कुछ हमारा ही भाई गोतिया लोग, कोई सोरेन पारिस, कोई मुंडा पारिस, कोई मरांडी पारिस, कोई बोदरा पारिस, कोई हो पारिस करके लोग होगा, और वो लोग उनका एजेंट बन करके हमें बेवकूफ बनाने का काम करेगा। याद रखिएगा, 20 साल हम लोगों को राज लेने में, 40 साल लगा राज लेने में, और इस मुख्यमंत्री का कुर्सी लेने में भी 20 साल लग गया। अब इस बार इनको इस तरीके से, पहले तो बोला कि यहाँ का आदिवासी लोग राज लेगा, यहाँ का आदिवासी लोग तो हड़िया पी के पड़ा रहेगा पेड़ के नीचे। हम लोग राज भी लिया, आप उसके बाद जब सरकार बनाए तो बोलेगा इन लोग सरकार कहां से चलाएगा, दो चार महीना के बाद गिर जाएगा। और रोज सरकार बनने के एक घंटे के बाद से इन लोग सरकार गिराने के पीछे पड़ गया। कभी इधर से विधायक लोगों को खींच के ले जाए, कभी उधर विधायक लोगों को घसीट के ले जाए, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए। और ये सरकार 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगी। 4 साल नहीं, आने वाला समय भी इसी राज्य के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनेगी।